Right, and amidst the ongoing controversy surrounding the NEET to UG paper leak and results, Congress has called out a mass protest demanding the cancellation of the exam on the 21st of June. The protesters are also demanding a prompt response over the issue, as several students are suffering due to the NEET UG results controversy. Whereas the Aam Aadmi Party has held a protest over irregularities in the NEET for admission to medical colleges and demands a Supreme Court monitored probe. AAP leaders and workers are protesting against the Bharatiya Janata Party-led centre over the NEET exam result issue at Jantar Mantar in the national capital. Delhi Minister and AAP leader Saurabh Bhardwaj, who was part of the protest, stated that the issue relates to the future of 24 lakh students and that the government should conduct a thorough investigation. Meanwhile, we had an exclusive conversation with Congress leader Pawan Kheda. We're going to listen into that. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेरा जी, पवन सर, एमके स्टालिन जी ने कहा है कि जो तीन नए कानून हैं क्रिमिनल लॉ, उनको बिल्कुल जल्दबाजी में पारित किया गया बिना संसद को साथ में लेकर, संसद का गला घोंट कर, विपक्ष का गला घोंट कर अगर आप इस तरह से कानून पारित करेंगे तो गलत ही होंगे, उन पर सवालिया निशान उठेंगे। नीट को लेकर लगातार हम इंतजार कर रहे हैं, सरकार अब क्या, कब उसका दिल पसीजेगा, 24 लाख बच्चों की तरफ ध्यान कब जाएगा। सर 21 जून को आप लोग प्रदर्शन, ये पूरे देश में संसद और सड़क दोनों पे ये जीवित रखेंगे मुद्दे को जब तक बच्चों को न्याय नहीं मिलता। My colleague Arzu Seth has filed an exclusive report on the ongoing controversy regarding the NEET scam. In fact, let's listen in. नीट को लेकर देश में लगातार प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है और आज आयशा की तरफ से भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के सामने प्रोटेस्ट जो है वो किया जा रहा है। फिलहाल आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, इस तरीके से जो पेपर है वो लेकर लोग मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के बाहर खड़े हुए हैं और एनटीए को स्क्रैप करने की डिमांड जो है वो छात्र कर रहे हैं। इनसे भी बातचीत करेंगे आखिर क्या कुछ डिमांड जो है वो ये रख है। देखिए, हमारी मेन मांग यही है कि जब से एनडीए बना है तब से जितने भी एग्जाम करवाए जा रहे हैं उन सब में धांधली आ रही है। अभी जो सेम पैटर्न अभी पटना पुलिस ने जो पकड़ा है, जो जो स्टूडेंट ने जो कबूल किया है, वो पैटर्न हम लोगों को 3 साल पहले पता था। इलाहाबाद कई शहरों में इसके चीजें हो रही है, ऐसे जो है एग्जाम लीक हो रहा है, वही काम, यही जो है पैटर्न 2 साल पहले पिछले नेट के एग्जाम में हम लोगों को कश्मीर में जो है जम्मू कश्मीर देखने को मिला। ये पूरा पैटर्न हम लोगों को ऑलरेडी पता था। इस बार ये हुआ है कि लोग पुलिस ने पकड़ा है कुछ लोगों को। ये जो अभी कुछ लोग पहले ये बोल रहे थे ऐसा है, कोई धांधली नहीं है, कोई दिक्कत नहीं हुई है, सर एक ऐसे व्यक्ति को बचाना चाह रहे थे जिसके साथ इसके इससे जुड़े हुए थे। दोनों लोग एक ही पार्टी के व्यक्ति हैं, धर्मेंद्र प्रधान जो भाजपा से हैं और जो एनडीए के जो जो प्रमुख वो भी भाजपा से है कार्यकर्ता है, तो ये दोनों मिलके ही एक दूसरे को बचाने का काम कर रहे हैं जबकि उनके सामने है, मतलब आरोपी मतलब छात्र वहाँ पे गिरफ्तार होते हैं।2 लाख रुपए जम्मू कश्मीर जा रहे हैं। सभी लोगों के पास मुझे लगता है अपने ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले जो प्राइवेटाइज्ड बॉडीज का
बिल्कुल। और लेकिन जिस तरीके से अगर देखिए तो लगातार नोटिस जारी किया गया है, एनटीओ को भी दिया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी दिया गया है कि 8 जुलाई तक इस पे जवाब दे रहा है, तो उसके बावजूद भी फिर क्यों प्रोटेस्ट? लेकिन आज उन्होंने क्या ऑर्डर दिया है? मिनिस्ट्री अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, डिस्पाइट रिपोर्ट्स फ्रॉम बिहार एंड गुजरात ऑफ पेपर लीक, जहाँ पे स्टूडेंट्स को एक दिन पहले पैसे के बदले पेपर पढ़ाया गया, हटाया गया। स्टूडेंट्स ने एक्सेप्ट किया, कुछ लोगों ने जो कल्प्रिट, उसके बाद भी जो है अगर कॉग्निशंस नहीं ले रही है मिनिस्ट्री, अगर वो 1500 दिन से लोगों के एग्जाम को वापस से अपील करने के लिए कह रही है, तो उसको ये भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए साथ में कि जो है बाकी जो मैसिव करप्शन हुआ है उसमें भी दोबारा से सारे स्टूडेंट्स को एक मौका दिया जाए, क्योंकि जिस तरह से स्कोर सबके इन्फ्लेट हुए हैं जबकि पेपर लेवल सेम रहा है, उसका कोई बेसिस नहीं है, वो धोखाधड़ी को दिखाता है। इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए नीट को रद्द करना चाहिए जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, और उसके बाद नया दोबारा से नीट को ऑर्डर करना चाहिए। तरीके से धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन, तो कहीं ना कहीं उनको रिजाइन की आप डिमांड कर रहे हैं? एनटीए जो संस्था है उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही रिस्पॉन्सिबल है ना, और कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें एनटीए धांधली। फॉर मोर सच वीडियोस सब्सक्राइब टू द न्यूज़ एक्स यूट्यूब चैनल, हिट द बेल आइकन।